सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रेट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलरिटी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। कुछ एक बेसिक है, क्लास 12 बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रेट लॉ के बारे में। ये रेट लो क्या है? तो एक चैप्टर आता है आपका कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके अंदर क्या आता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट लो क्या बोलता है? मींस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो ध्यान से समझिए, बड़ा सिंपल है ये। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए रिएक्शन, क्या बोला मैंने? द रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ क्या? रिएक्टेंट्स। वो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कौन? रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल लेट ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट। एक सिंपल सा हाइपोथेटिकल हमने रिएक्शन मान लिया, ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट। तो ये जो रेट होगा रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपके क्या है? ए और बी रिएक्टेंट है, और उन रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस, अब एक्टिव मासेस को मैं यहां पे कॉन्सेंट्रेशन से ले रहा हूं, ठीक है? उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। क्या आएगा? रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। क्लियर बात है? इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर क्या होता है? के होता है। क्या होता है? के। ओके, इनटू ए इनटू में बी, वेयर वेयर। अभी देखो ये के क्या है? के को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पे इस के को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? के को रेट कांस्टेंट बोलो, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड, वेलोसिटी, ये भी बोल सकते हैं। या फिर एक नाम और भी है क्या? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलेंगे। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में बोला जाए द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज दिस वन, इसका मतलब वो के की बात कर रहे हैं, वो रेट कांस्टेंट की या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है? तो रेट लो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट है, यानी एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो वहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है के को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं, ठीक है? अब इसके बाद एक काम करते हैं, एक इसको उतार लीजिए, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो कि कोफिशिएंट ले लेते हैं इन जनरल, लेट लेट ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इट विल गिव यू प्रोडक्ट्स। क्या दे रहा आपको? प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? ए रेज टू पावर ए, आगे जो ये कोफिशियंट है वो कहां चला जाएगा? पावर में चला जाएगा, ठीक है? ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी इंटू सी रेज टू पावर सी। तो ये क्या है? रेट लो, कि जो आगे कोफिशियंट होता है वो उनके एक्टिव मासेस की पावर में चला जाता है, ठीक है? अब क्या लिखेंगे आगे? कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लगा देंगे? एक कॉन्स्टेंट के, समझ आ गई कहानी? क्या हो जाएगा? ए की पावर ए इंटू बी
बी की पावर बी इंटू सी रेज टू पावर सी। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो पावर्स थी ए बी एंड सी, अगर इन पावर्स का हम लोग सम कर दें, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस इन रेट लॉ, ये जो रेट लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, तो द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस इन रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस इन रेट लॉ। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मान लो लेट एन बोल दिया, यानी ये क्या है यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, आपके यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्लियर बात है। अब बात यह है कि इस के हमको यूनिट निकालना है किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए, चाहे ऑर्डर वन हो, जीरो हो, टू हो, थ्री हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन हो, अगर हमको के यानी रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्या आपका एक काम करो, यहां पे इस के को यही छोड़ दो, बाकी सब वैल्यू को यहां पे लाओ। अब देखो ये क्या है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या इसको मैं इकट्ठा लिख दूं, क्या लिख दूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन, तो तीनों कॉन्सेंट्रेशन थी, सेम है मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस में सी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और अभी ऊपर हमने क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन, तो यहां पर इसको मैं क्या लिख दूंगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ये यहां पे आपका क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट किसके इक्वल होता है, रेट का मतलब क्या है, क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, तो यहां का जो रेट है रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इस रेट की जगह क्या मैं लिख दूं, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम लिख दूं, इज इक्वल टू ये क्या है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर एन। एक काम करो, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, के को यहीं छोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एन इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो आपके पास ये क्या आया, ये आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर वन माइनस एन अपॉन में क्या हो गया, टाइम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इनटू टाइम इनवर्स। तो आपके पास एक शानदार फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कि के जो यूनिट्स है इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं यहां पे मोलैरिटी में ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, मोल पर लीटर, ये लो मोल लीटर इनवर्स, पावर कितनी है आपके पास, वन माइनस एन इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास के यूनिट आ गए, इसको सेपरेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू मोल की पावर कितनी हो जाएगी, मोल वन माइनस एन इंटू लीटर, देखो अब लीटर खुद इनवर्स में है, तो वन माइनस एन को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, इनटू में टाइम इनवर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, उसके लिए अगर हमको यूनिट निकालना है किसके, रेट कॉन्स्टेंट के, तो फॉर्मूला क्या है, मोल वन माइनस एन इंटू लीटर एन माइनस वन इंटू टाइम इनवर्स। रटना नहीं है, अच्छे से समझ के, कहां से आया ये, रेट लॉ एक्सप्रेशन से आया, ठीक है, अच्छे से समझ के आप लोग कर सकते हो। तो
तो इसको उतार लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर n का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चलो आगे थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्या ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। लेट ए ए प्लस बी बी गिव्स यू प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट लो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी। सिंपल, ये रेट लो एक्सप्रेशन है। या फिर रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी, ठीक है। ये आपका कौन सा है? दिस इज व्हाट? दिस इज द रेट लो एक्सप्रेशन। अब ये जो रेट लो एक्सप्रेशन में ये जो पावर साइज है, उन पावर्स को अगर हम लोग सम कर दें, ठीक है, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाता है? यहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाता है। तो इसके हिसाब से जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लो एक्सप्रेशन। क्या है? इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दी है तो आप वो लोगे, लेकिन अगर वही एक्टिव मास आपको प्रेशर में दिया है तो प्रेशर में लोगे। कॉन्सेंट्रेशन लो, अगर प्रेशर में दिया है तो वो लेना पड़ेगा। तो क्या बोला? इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर टर्म्स इन्वॉल्व इन किसके अंदर? इन रेट लो एक्सप्रेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे हमने यहां पर ये निकाला, क्लियर कहानी है, ठीक है, ओके। अब एक काम करके देखते हैं, एक ये तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया था, एक ओरिजिनल रिएक्शन लेके देखते हैं। एक रिएक्शन है जैसे मान लो 2NO2 प्लस में F2 क्या देगा आपको? 2NO2F। अब इस 2 ये NO2F है, NO2F को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नाइट्राइल फ्लोराइड। इट इज व्हाट? नाइट्राइल फ्लोराइड। अब देखो अकॉर्डिंग टू रेट लो के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन क्या है? रेट किसके को लाया है? इज इक्वल टू के इनटू NO2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा? F2। ये हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका रेट एक्सप्रेशन ये नहीं आता, रेट एक्सप्रेशन ये नहीं आता। बट एक्चुअली, या फिर मैं क्या बोल दूं, एक्सपेरिमेंटली बोल दूं, यानी जो रेट लो आता है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सपेरिमेंटल रेट लो। बट एक्सपेरिमेंटल इसका जो रेट लो आता है वो क्या आएगा? वो आता है रेट इज इक्वल टू के इंटू एनओ टू इंटू में एफ टू। मीन्स अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें तो रेट एक्सप्रेशन में एनओ टू का ये जो कोफिशियंट था टू, वो पावर में नहीं, सिंगल टर्म आती है सिर्फ एनओ टू। अब ये कैसे हुआ, इसको हम लोग कैसे समझे? देखो ध्यान से इसको कैसे समझेंगे कि इस रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्या इस रिएक्शन को हम लोग क्या देखते हैं? स्टेप बाय स्टेप। कैसे देखेंगे? कि सबसे पहले इस रिएक्शन में होता क्या है? ये होता है कि NO2 प्लस में F2 आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये बनाते हैं क्या? NO2F प्लस में F। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आता है NO2 का, और ये F रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NO2F बनाएगा। क्लियर है? और जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, देखो क्या, 2NO2 इस F से ये F कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या बचा? प्लस में क्या हुआ?
F2 क्या दे रहा है आपको, ये आपको दे रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2F। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर है? अब इन रिएक्शन में है क्या, जो ऊपर वाला जो स्टेप है इट इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और जो नीचे वाला स्टेप है इट इज द फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और एक रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है, मींस द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको हम लोग शॉर्ट में RDS भी बोलते हैं। वो कौन होता है, इट इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास रेट लो आया वो क्या आया, रेट इज इक्वल टू के इंटू NO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। इसका मतलब ये इस वजह से आया क्योंकि यहां का जो रेट है वो किस पे डिपेंड किया, स्लो स्टेप वाले रिएक्टेंट्स पे डिपेंड किया। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होगा वो उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा, उस स्टेप को हम उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन की अब अगर मैं यहां पर ऑर्डर देखूं, बिगिनिंग में जो थियोरेटिकल जो रेट लो था उसके हिसाब से ऑर्डर देखूं तो 2 प्लस में 1 3 हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में अब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस रिएक्शन का यहां पे जो ऑर्डर आप लिखोगे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि ऑर्डर इज नॉट अ थियोरेटिकल वैल्यू, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो इस जो रेट लो को मैं यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, यहां पे ये चीज आपको समझ आ गई, अच्छे से उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब ये जो मॉडिफाइड रेट लो है जिसके हिसाब से हम लोग यहां पर ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, जैसे ये क्या था, थ्योरेटिकल था, एक्सपेरिमेंटली रेट लो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली अब जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो ए प्लस बी नहीं होगा, क्या ए प्लस बी नहीं होगा, और एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन का जो रेट है वो आएगा के इंटू किस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का, के इंटू ए रेस टू पावर अल्फा इंटू बी रेस टू पावर गामा। अल्फा एंड गामा कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। अब अल्फा प्लस गामा या आप गामा के जगह बीटा भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होता है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक रिएक्शन के अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स स्पीसीज पार्टिकल्स वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, यानी ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करें। ठीक है, वो किसी एक पे भी डिपेंड कर सकता है, दो पे भी कर सकता है, हमको कैसे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंटली। तो ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर बाय सीइंग, जनरली सीइंग अ केमिकल रिएक्शन, नहीं पता नहीं लगेगा। तो ऑर्डर ऐसे आएगा, आई बस समझ में, अच्छे से इसको कर लीजिए। ठीक है, आगे अब एक बात और है कि किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है इट कैन बी जीरो, किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या था, H2 गैस प्लस में Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनाएगा, 2HCl गैस। इस रिएक्शन का जो रेट है ना तो हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है ना क्लोरीन के ऊपर डिपेंड करता है, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, जीरो हो गया। ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी 1, ऑर्डर कैन बी 2, ऑर्डर कैन बी 99, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव आल्सो, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ऑर्डर कैन हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, या तो ऑर्डर है वो आपका एक होल नंबर भी हो सकता है,
और ऑर्डर है वो आपका जीरो भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, एंड वो आपका एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। तो दूसरी बात ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। हमारे सिलेबस में कुछ एक ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, जिनमें जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसके ऊपर क्वेश्चन भी अच्छे से आते हैं। तो ये एक बेसिक था इसके लिए, ऑर्डर के लिए अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। अभी आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। किसके बारे में? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ठीक है? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। देखो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक बार में साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली कोलाइड करने चाहिए इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये है मॉलिक्यूलरिटी। पहली, दूसरी बात कि किसी भी रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी है इट कैनॉट बी मोर देन 3। कैसा, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो क्या है, एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस आपस में कोलाइड कर सकते हैं इफेक्टिवली। अब 3 से ज्यादा, जैसे मान लो कि दो गाड़ी ले लीजिए आप लोग, ठीक है? एक कार इस डायरेक्शन में आ रही है विद स्पीड 60, 70, 80 और एक कार इस डायरेक्शन से आ रही है विद स्पीड, विद द सेम स्पीड और डिफरेंट स्पीड। अब दो कार आपस में अच्छे से जब कोलाइड करेगी तब वहां पे जो इफेक्टिव कोलिजन होगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी? 2 जाएगी। अब क्या हो सकता है कि विदाउट एनी टाइम लैग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी नहीं होना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं? 3 कार या जो भी आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम लैग। लेकिन 3 से ज्यादा जब हो जाते हैं, मतलब 4 हो गए, 5 हो गए, तो फिर साइमल्टेनियस कोलिजन होना वो भी इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता, 0 का मतलब कोई मॉलिक्यूल ही नहीं रिएक्शन में। तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी वो कितना आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूलरिटी के बारे में है। अब थोड़ा सा आगे चलते, जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, H2O2 का डीकंपोजिशन करवाते हैं, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, 2H2O2 डीकंपोज होके क्या देगा, 2H2O+ में O2। अब देखो किसी भी रिएक्शन को देखने भर से पता नहीं लगेगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। जैसे इस रिएक्शन को देखने से लगा कि उसके अंदर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ना ना ना, किसी भी रिएक्शन को देखने भर से नहीं लगेगा। तो क्या होगा, इस रिएक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में जाना पड़ेगा। ये क्या है, ये कंबाइंड रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, वी हैव टू गो थ्रू द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन देखो क्या है, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये थी आपकी ओवरऑल रिएक्शन। हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम किस में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन में जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा H2O2 है, पहली रिएक्शन लिखना उसकी, वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको H2O+ में O देगा, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या होगा कि दो O दूसरे में भी H2O2 है, वो भी H2O+ में O देगा, सेम ही रिएक्शन है, दो बार कितने जुड़ते हैं। फिर कितने O बन गए, 2 बन गए, ये कितने बन गए, ये भी 2 बन गए। तो फिर एक O दूसरा O आपस में क्या बना देगा, O2 बना देगा। अब ये जो पहला स्टेप है वो तो है स्लो स्टेप,
यानी मैं बोल दूं आरटीएस हुआ आपका, आरटीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, और जो दूसरा स्टेप है वो कौन सा है, फास्ट स्टेप हुआ, कौन सा हुआ, फास्ट स्टेप हुआ। तो ऑर्डर नहीं, मॉलिक्यूलरिटी भी कहां से डिसाइड होगी, हमारे स्लो स्टेप से डिसाइड होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से डिसाइड होगी। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ए, तो इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी है, जो कि दिखने में लगता था कि दो है बट एक्चुअल में वो कितना है, एक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज वन। बात समझ में आई? तो एक रिएक्शन के कोफिशिएंट को, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को देखने पर से ये नहीं लगेगा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी लो, ठीक है, उस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, वो उस रिएक्शन का क्या है, मॉलिक्यूलरिटी बताता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी कई टाइप की, मैंने क्या बोला, तीन टाइप की होगी, कौन सी, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर। क्लियर है? जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल किसका होगा, यूनिमॉलिक्यूलर का हो गया, और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, यूनिमॉलिक्यूलर की, जैसे PCl5 है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने किया होगा, क्या क्या लिखा हुआ पहले, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या, यूनि यानी वन, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल, तो दिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, वन हो, रिएक्शन हूज मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू वन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये किया था थोड़ी देर पहले, दूसरा कर देते हैं क्या, PCl5 को डीकंपोज करें, इसमें PCl3 प्लस में Cl2, ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, वन हुआ इस रिएक्शन का। जैसे N2O4 है, वो क्या देगा आपको, वो देगा 2NO2, मॉलिक्यूलरिटी कितना उसका, वन है, सिंपल। अब नंबर टू पे किस पे जाएंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कौन सा जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन पे चले जाते हैं। तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हूज मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू कितना, टू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे मान लो कि CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट नाम है इसका, क्या नाम है इसका, एक एस्टर है जिसका नाम है इथाइल एसीटेट है, हाथ पे रखो बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, इवेपोरेट हो जाता है, कभी लैब में करके देखिएगा। इसमें हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक दो, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, टू हो गया, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड प्लस में C2H5OH, क्या नाम है इसका, इथेनॉल, एल्कोहल बन गया, शराब बन गई। तो ये है, अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, दो। क्या मैं इसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बोल दूं, बिल्कुल बोल दूं सर। दूसरा एग्जांपल, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, शुगर ले लो, सुक्रोज ले लो, जैसे C12H22O11 प्लस में क्या ले लिया, वाटर ले लिया, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में ले लिया। ये क्या है आपका, घर में जो शुगर खाते हो, चीनी, सुक्रोज, तो क्या क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा, क्या है ये, ग्लूकोज है, एल्डोहेक्सोज है, प्लस में C6H12O6, ये क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, फ्रक्टोज, ठीक है। अब कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुए, एक और एक दो, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, दो हुआ, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, या फिर क्या, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया इसका, दो हो गया। और भी ले सकते हो इसके अंदर, जैसे आप ले सकते हो क्या, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसको हम लोग सैपोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं एस्टर का, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का, उतार लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट कौन सी है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कर लेते हैं। नंबर थ्री क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्या होती है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिएक्शन हूज मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू थ्री, यहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो किसके इक्वल होगा, थ्री के इक्वल होगा, तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़े सिंपल है, क्या है, जैसे 2NO प्लस में O2, ठीक है, क्या बनाने वाला है, 2NO2 बनाने वाला है, दो मॉलिक्यूल्स ये, एक ये रहे, टोटल कितने हो गए, थ्री हो गए, तो ये हो गया
हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, मॉलिक्यूलरिटी 3 है, और ले लो जैसे मान लो 2FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस में SnCl2 स्टेनस क्लोराइड क्या देने वाला है, फेरिक से बन जाएगा फेरस FeCl2 और स्टेनस से क्या बन जाएगा, स्टेनिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टेनिक। देखो मैं लिख देता हूं, ये है स्टेनस क्लोराइड, क्यों है, क्योंकि यहां पे Sn है अपनी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे Sn प्लस 4 में है, तो ये क्या बन गया आपका स्टेनिक क्लोराइड बन गया, क्या बन गया स्टेनिक क्लोराइड। यहां पर आयरन क्या है प्लस 3 में है, तो ये है आपका फेरिक क्लोराइड, और यहां पर आयरन क्या है प्लस 2 में है, तो ये क्या बन गया आपका फेरस क्लोराइड, ये क्या बन गया फेरस क्लोराइड। तो यहां पर दो मॉलिक्यूल्स इसके एक स्टेनस क्लोराइड का, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 3 हो गई। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं यूनिमॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के अंदर में डिफरेंस भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कौन सा आपका सुडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कौन सा है सुडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्या है सुडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन आती है विद एग्जांपल, तो अच्छे से समझ लीजिए क्या है। देखो पहले तो समझो सुडो का मतलब क्या होता है, सुडो यानी फॉल्स, लुक लाइक डुप्लीकेट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो दिखने एक जैसा लगे लेकिन है नहीं, डुप्लीकेट है, फॉल्स है, ठीक है, मिरर इमेज है, तो वो सुडो है यानी झूठा, मैं तो ये मानता हूं झूठा। उसके बाद क्या बोलते हैं यूनि, यूनि का मतलब वन, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलरिटी, यानी यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी वन हो, जिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी वन हो, और सुडो का मतलब जो झूठी है यानी इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी वन नहीं है। आई बस सुन में ये इसका मतलब क्या, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब रिएक्शन इसका मॉलिक्यूलरिटी वन है ये आपको लगेगा, लेकिन सुडो क्या बोलता है कि ना 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 लुक लाइक है डुप्लीकेट है, तो मॉलिक्यूलरिटी वन नहीं है, दूसरी टर्म क्या हुई ऑर्डर, ऑर्डर वन है। तो क्या है रिएक्शंस, रिएक्शन whose molecularity is not one, तो one नहीं होगी molecularity तो क्या हो जाएगी two हो जाएगी, whose molecularity is equal to two but जिसका order कितना हो जाए order one हो जाए, यानी molecular का मतलब molecularity one, लेकिन सुडो यानी झूठा molecularity one नहीं है तो क्या होगा order one होगा, तो molecularity कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपके पास आ जाए सुडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन, तो लगता है कि मोलिकुलरिटी 2 है, नहीं रिएक्शन जिसका ऑर्डर 2 है लेकिन मोलिकुलरिटी या तो 3 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे सुडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ये है सुडो यूनिमोलिकुलर। चलो एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल किया क्या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोला एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। मैंने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एक एग्जांपल दिए थे तो उसमें ये बताया था। तो क्या है CH3COOC2H5 हमने ले लिया, क्या इथाइल एसीटेट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, प्लस में वाटर ले लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है एसिड की प्रेजेंस में, क्या बना देगा CH3COOH, क्या नाम इसका एसिडिक एसिड, प्लस में C2H5OH, क्या नाम इसका इथेनॉल, क्लियर है। अब इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1 और 1 2, इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2 है, बट इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 नहीं है, कितना है 1 है, इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट हो वो भी कौन सी रिएक्शन होती है सुडो रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर क्या हो डिफरेंट हो सेम नहीं हो वो भी कौन सी रिएक्शन होती है सुडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। अब एक माइंड में क्वेश्चन तो आता है, देखो कि सर ऑर्डर वन कैसे हुआ,
यहाँ पे तो दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर वन होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन का जो रेट है ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर एस्टर के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो ये आपको बात पता है। और अगर मान लो थोड़ा फेड हो गया तो मैं वापस से आपको क्या कराता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। व्हेन मान लो टाइम जीरो था, आप इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो, एस्टर का वन ले सकते हो, टू ले सकते हो, तो हमने ले लिया कौन सा वन, कितना ले लिया हमने वन। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या आप वन ले सकते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर की फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होती है कितनी, 55.5 मोल पर लीटर। प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होता है, 55.5। अब वाटर ना तो डाइल्यूट है ना कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो बन हो ही नहीं सकती, वो कितनी हो जाएगी, 55.5 होगी। तो यहां पे हमने एस्पी की कॉन्सेंट्रेशन मान लो 1 ले ली, 1 मोल पर लीटर ले ली, और वाटर की कितनी है, 55.5 है। और बिगनिंग में तो ये बने नहीं, तो कितने हो गए, 0 और 0 हुए, ओके। तो क्या लिखोगे, व्हेन टी इज इक्वल टू टी, यानी आफ्टर टाइम टी। मान लो कि ये जो एस्टर है कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कितना डिसोसिएट हो गया होगा, ठीक है। मान लो इसका आधा मोल डिसोसिएट हो गया होगा, तो आधा मोल डिसोसिएट हो गया तो ये कितना बना, ये भी आधा मोल बना 0.5, ये भी कितना बना 0.5, तो ये क्या हो गया 0.5 माइनस हो गया, तो 1 माइनस 0.5 कितना आएगा 0.5, तो ये हो गया आपका 0.5। तो फिर वाटर कितना हो गया होगा, इसमें भी 0.5 माइनस करेंगे तो देखो 55.5 माइनस में 0.5 कितना बचेगा 55, कितना बचेगा 55। एक चीज दिख रही है आपको कि यहां पर एस्टर की जो कॉन्सेंट्रेशन थी पहले से आधी रह गई, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ा, 55.5 से 55 रह गया, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास 1,00,000 रुपए हो और उस वक्त आपके पास एक पॉकेट में 1 रुपया हो तो 1 रुपया मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपके पास 2 रुपए हो और 2 रुपए में 1 आपने किसी को दे दिया, वो मैटर करेगा। यहां पर 1 था, 1 से आधी रह गई, 50% डिक्रीज हो गई, लेकिन यहां पे कितना मतलब ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन में जो ऑर्डर वो बनाता है, जो इस रिएक्शन का जो रेट है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं, क्यों, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, 55.5 है, मैटर ही नहीं करता, ठीक है। और दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन वाटर की मैंने बोला 0.5 कम हो गई, कर सकते हो, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इस रिएक्शन में जो रेट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 1 हो गया, बट मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, इसको डाल दीजिए पहले, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग इसका ले लेते हैं, वही सेम कौन सा, आप ले लो क्या, केन शुगर का ले लो, इन्वर्शन ऑफ शुगर, या इन्वर्शन ऑफ, हम लोग क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं, वो ले लीजिए। देखो नंबर 2 क्या हो जाएगा, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या है, C12H22O11 प्लस में वाटर, क्या डाला, H पॉजिटिव डाला, क्या बना C6H12O6 प्लस में C6H12O6, समझ आ गया होगा, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, यहाँ पर भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितना हुआ, वो यूनि नहीं है, वो कितना है, 2 है, 1 और 1 2, बट इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 है, कहानी समझ आ गई, ठीक है। तीसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, चलो थोड़ा ऑर्गेनिक में जाते हैं। ऑर्गेनिक में क्या था कि जैसे मान लो आपके पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन सीएल नेगेटिव, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, हमने क्या काम किया, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया, क्या कर, वाटर के साथ हल्का सा, क्या बॉइलिंग वाटर ले लो या ल्यूकवॉर्म वाटर ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन भागेगी, N2 भागेगी, तो भगा दो N2 को,
हमने N2 को भगा दिया, प्लस में वाटर का H पॉजिटिव, यहां का Cl नेगेटिव, क्या बनेगा HCl, ठीक है। पीछे क्या बचा, चला गया H पॉजिटिव का, पीछे क्या बचा OH, OH लगा दो, आपके पास क्या बना फिनोल। What happens when nitrogen diazonium salt is treated with या is warmed with water, क्या बनता है फिनोल is formed। तो इस रिएक्शन का जो मोलिकुलरिटी है, इस रिएक्शन का जो मोलिकुलरिटी है कितना है 2 है, बट इस रिएक्शन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कौन रेट। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। द रिएक्शन हूज मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर आर नॉट सेम आर नॉट एज व्हाट सुडो मोलिकुलर रिएक्शन। एक एग्जांपल आप ये भी कर सकते हो, एक और भी कर सकते हो, जैसे एलोएलकेन वाला चैप्टर है Rx प्लस में H2O, देखो सब हमें वाटर ही ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा ROH प्लस में क्या हो जाएगा HX। इस पे डिपेंड करेगा सिर्फ एलोएलकेन पे, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी कौन सा हो गया, इसका मोलिकुलरिटी क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन ऑर्डर कितना हो गया 1। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझिए, दिमाग में उतारिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए।